क्लास 8 टॉपिक पावर्स एक्सरसाइज 2.1। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सेकेंड नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बतानी है। नंबर 1, 32/243 होल पावर 4/5। देखिए हम सबसे पहले हम लोग 32 के फैक्टर करेंगे, फिर 243 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिए 32 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ऐसे इसके फैक्टर करेंगे। नेगेटिव पावर वाली कैसे सॉल्व करेंगे। 625/81 होल पावर आप माइनस पावर में, ठीक है। तो 625 के फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 अपान इसके फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 होल पावर माइनस पावर में, ठीक है। तो ये 5 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ×
रोल बारह फोर की रोल माइनस का वन बाई फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइव बाई थ्री रोल पावर क्या है माइनस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फाइव आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जीरो पॉइंट जीरो फोर होल पावर ऑफ फाइव बाई टू। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका पॉइंट आए जीरो पॉइंट जीरो फोर में इसका पॉइंट आ गया तो जीरो बढ़ाएंगे जीरो में, होल पावर फाइव बाई टू सॉल्व करेंगे तो फोर वन हंड्रेड होल पावर फाइव बाई टू, ठीक है। तो फोर को क्या लिखेंगे, टू इंटू टू, या ऐसे करो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई करें, फोर वन जब फोर फोर से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, वन अपान ट्वेंटी फाइव होल पावर फाइव बाई टू सॉल्व करेंगे वन अपान फाइव का होल स्क्वायर होल पावर फाइव बाई टू, ठीक है। वन बाई फाइव होल पावर टू इंटू फाइव बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई फाइव होल पावर क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है। इसको फाइव टाइम्स ओपन कर लेंगे वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट वन,
ए पार्ट 27 को होल पावर 2 बाय 3 इनटू 27 को होल पावर 1 बाय 3 इनटू 27 को होल पावर 4 बाय 3। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो 27 को होल पावर 2 बाय 3 1 बाय 3 माइनस 4 बाय 3, तो 27 को होल पावर बेस सेम हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 4, 27 को होल पावर आप 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 बाय 3 कितना रहेगा, 27 को होल पावर माइनस 7 बाय 3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब लिखेंगे और 8 टू 1 बाय 3 माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 1 इसको लोगोगे 1 बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन बी नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। बी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 27 अपॉन 125 होल पावर ऑफ माइनस 2 बाय 3 इंटू 27 अपॉन 125 होल पावर माइनस 4 बाय 3 जैसे सर सेम देन पावर शुड बी एडेड, बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, होल पावर माइनस 2 बाय 3 और माइनस का 4 बाय 3 तो 27 अपॉन 125 तो माइनस दोनों में बेस सेम है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 ये हो गया 6, ठीक है। तो 27 अपॉन 125 होल पावर ऑफ माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जब सॉल्व करना होता है तो जो पावर होती है नेगेटिव उसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो 125 अपॉन 27 होल पावर ऑफ 2, ठीक है। हो जाएगा इसको क्या करेंगे, 5 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, 5 into 5 into 5 नीचे 3 into 3 into 3 तो होल पावर ऑफ 2, 5 by 3 तो होल पावर 3 into 2, ठीक है। तो 6 हो जाएगा 5 by 3 तो होल पावर ऑफ 6, ठीक है। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।